नमस्कार, मैं नेहा, आप देख रहे हैं शिवालिक जर्नल। 28 सितंबर 2001 जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में जवानों को कुछ आतंकियों के छुपे होने की जानकारी मिलती है, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया जाता है। ऑपरेशन को नाम दिया जाता है डोडा ऑपरेशन। सर्च अभियान शुरू होने के कुछ समय बाद वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे जहाँ से आतंकी भाग सकते थे, और फिर थोड़ी देर बाद ही आतंकी और जवानों के बीच मुठभेड़ शुरू हो जाती है। और जो मेजर टीम को लीड कर रहे थे उन्होंने 4 आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया था और 3 आतंकियों को बुरी तरह घायल करके अपने कब्जे में ले लिया था। अब ऑपरेशन बिल्कुल खत्म हो चुका था, लेकिन तभी मेजर को एक आतंकी के हिलने पर संदेह होता है और वो जैसे ही आतंकी की तरफ पीछे मुड़कर देखते हैं तभी आतंकी दर्जनों गोलियां मेजर के ऊपर चला देता है। अपने सीने पर गोली खाने वाला ये वीर सपूत कोई और नहीं बल्कि मेजर अविनाश सिंह भदौरिया हैं। मेजर अविनाश सिंह भदौरिया का जन्म 14 दिसंबर 1971 को कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख राजनीति नेता गंगा सिंह भदौरिया के बेटे थे। अविनाश चाहते तो बड़े आराम से राजनीति में एंट्री ले सकते थे, लेकिन उनका झुकाव बचपन से ही देश की रक्षा पर था। वो हमेशा से भारतीय सेना में शामिल होने की इच्छा रखते थे। इसी इच्छा को अपना मकसद बनाते हुए स्कूल की पढ़ाई खत्म करके आगे चले। फिर साल 1990 में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी खड़कवासला पुणे में प्रवेश लिया। एनडीए में अपने समय के दौरान मेजर अविनाश सिंह भदौरिया ने बटालियन कैडेट कैप्टन का पुरस्कार प्राप्त किया और अपने प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में हमेशा एक उत्कृष्ट प्रदर्शन दिया। सबसे पहले मेजर अविनाश सिंह भदौरिया को मद्रास रेजिमेंट के 18 मद्रास में नियुक्त किया गया। इसके बाद उनके प्रशिक्षण प्रोफाइल को ध्यान में रखते हुए उन्हें असम में एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र हाथीगढ़ में, इसके बाद गुजरात में भारत पाक सीमा के पास कच्छ के जामनगर में तैनात किया गया। फिर उसी साल उन्हें जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोध अभियानों में लगी 8 राष्ट्रीय राइफल बटालियन में सेवा देने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया। इस बीच मेजर अविनाश ने 1997 में शालिनी से शादी की। फिर शादी के 2 साल बाद उनका एक बेटा भी हुआ और फिर वो दिन आया जिसके बारे में शायद ही कभी किसी ने सोचा होगा। तारीख 28 सितंबर साल 2001 मेजर अविनाश की इकाई को जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में कुछ कट्टरपंथ आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में खुफिया सूत्रों से विशेष जानकारी मिलती है। सूचना मिलते ही मेजर अविनाश ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया और उन्हें पकड़ने के लिए अभियान चलाया था। वो तुरंत उस ठिकाने को संदिग्ध इलाके को घेर लेते हैं। घेराबंदी से आतंकी डर जाते हैं और भारतीय सेना पर गोलीबारी करना शुरू कर देते हैं। सब तरफ गोली चल रही थी। तभी अविनाश देखते हैं कि एक जगह पर 4 आतंकी लगातार ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भी वो अपने बारे में ना सोचकर अपनी बंदूक से फायरिंग करते हुए उन 4 आतंकियों के पास पहुंचते हैं और उन्हें मौत के घाट उतार देते हैं। इसी बीच उनको एक आतंकी के हिलने का एहसास होता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखते हैं तभी नीचे पड़ा आतंकी मेजर के सीने पर 10 से 12 गोलियां दाग देता है और उसी समय मेजर अविनाश वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। महज 29 साल की उम्र में मेजर अविनाश अपनी वीरता और बहादुरी का वो प्रमाण देकर जाते हैं जिसके लिए एक व्यक्ति को निडर और साहसी होना चाहिए। अपने इसी उत्कृष्ट नेतृत्व, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान के लिए मेजर अविनाश भदौरिया को देश का सबसे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र से नवाजा जाता है। मेजर अविनाश का हमेशा से सपना था कि वो अपने देश की सेवा करें, उसकी रक्षा करें। उन्होंने अपने देश की रक्षा करते करते ही अपनी जान दे दी, लेकिन उनके शहीद होने के बाद उनका देश की रक्षा करने का सपना अधूरा न रह जाए इसलिए उनकी पत्नी ने भी भारतीय सेना की ओर रुख लिया। और भारतीय सेना ज्वाइन करने के बाद शहीद मेजर अविनाश भदौरिया की पत्नी कैप्टन शालिनी भदौरिया बनी। नमन है ऐसी वीरांगनाओं को जो अपने माथे के सिंदूर को देश के लिए न्योछावर कर देती हैं और अपने पति की शहादत पर गर्व महसूस करती हैं। और धन्य है ऐसे माता पिता जो ऐसे वीर योद्धाओं को जन्म देते हैं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमारी वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें।